जाते ना मुझे दे देते, मैं उन्हें यूनिवर्सिटी के बाद दे आती। उन्हें ना बस मौका चाहिए अनाया आप ही से मिलने का। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अनाया को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई बड़े खानदान में ब्याही गई है, मैं वहाँ आने जाने की ज्यादा जरूरत ही क्या है। क्या मतलब है बड़ा खानदान बड़ी फैमिली? इसका मतलब ये कि हम अनाया आप ही को शादी के बाद भूल जाएं? हाँ अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। उनका कहना ये था कि भाई अनाया का जब दिल चाहे आए, मिले अपनी बहनों से हमसे, लेकिन हम नहीं वहां जाते। अम्मी इतना एटीट्यूड है उन लोगों के अंदर, बाबा तो उनकी तारीफें करते नहीं थकते, उन्होंने इतने सालों वहां काम किया है। मुझे तो लगता है आप लोगों से ना गलती हो गई उन्हें पहचानने में। जोना को कुछ नहीं पता, जोना को अपनी बहन से मिलने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं। अच्छा मेरी माँ, मेरा दिमाग ना चाटो, चली जाना वहाँ पे, ठीक है? वो देखो बच्चे शोर कर रहे हैं, जाओ पढ़ाओ जाके। अम्मी वो शोर नहीं करे, झगड़ रहे हैं, उनकी क्लास में लेकर आ। अरे सुनो, मारपीट ना करना ये लड़की। हेलो, क्या हो रहा था? आपका इंतजार। रेडी? तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं आपसे, वाकई आपका इंतजार कर रही थी। तो मुझे फोन करके आने के लिए कहना, क्योंकि आप काम पर हैं। हाँ लेकिन आप मेरी बॉस हैं, अगर आप मुझे बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगी। नहीं, आप इस टाइम अपने काम पर हैं, अपनी जॉब पर हैं, तो आपका दिमाग भी वहीं पे हाजिर होना चाहिए। दिल के आगे दिमाग की कहाँ चलती। और सच तो यह है कि मेरा दिल तुम्हारे बगैर कहीं लगता नहीं, चाहे वो ऑफिस में हो या कहीं और। अच्छा बस बताएं आपने फोन क्यों किया था? आई लव यू नाया। क्या हो, तुम कुछ नहीं कहोगे? तो क्या सुनना चाहते हैं आप? जो तुम समझ कर भी ना समझ बन गई वही सुनना मुझे। जनाब घर आ जाइए, फिर जो चाहते हैं वो भी सुना देंगे। बस ठीक है, ये अच्छा तरीका है घर बुलाने का। अब तो मैं फौरन आऊंगा। सी यू। खुदा हाफिज़।